गाइस तो आप लोग अपनी YouTube वीडियोस या फिर किसी भी तरीके की वीडियोस के लिए बोया माइक खरीदते हैं कि आप लोगों की वीडियो में अच्छी वॉइस क्वालिटी आए, लेकिन जब कभी भी आप लोग बोया माइक खरीदते हैं उसके बाद आप लोग अपने फोन में उसको लगा के वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आप देखते हैं अरे यार इसमें तो वॉइस सही नहीं आ रही है। फिर आप या तो सोचते हैं कि आपका बोया माइक खराब है, आपके पास डिफेक्टिव माइक आ गया है, या फिर आप सोचते हैं आपका फोन खराब है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे में आपकी दोनों, ना तो फोन खराब है ना बोया माइक खराब है, आप उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। देखिए बोया माइक यूज करने का एक तरीका होता है, एक सेटिंग्स होती है, वो करेंगे तब जाके आपके बोया माइक की जो वॉइस क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी में आपके फोन में आएगी। क्योंकि कैमरे में तो आप लोग डायरेक्टली लगा के उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको फोन में कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फोन में बोया माइक को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट हम लोग पहले ये समझते हैं कि यार हम लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। देखिए जब कभी भी हम लोग ना नया बोया माइक लेके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बोया माइक खोला और उसको इस तरीके से बोया माइक रहता भाई बंधा वगैरह रहता, हम लोग डायरेक्टली हमारा कैमरा ऐप ओपन करते हैं। ये कैमरा ऐप ओपन करा और यहाँ पे हम लोग ऐसे माइक को लगा लेते हैं और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और आपको वॉइस क्वालिटी सुनाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये सब रिकॉर्ड हो रही है और मैं आपको अभी वॉइस क्वालिटी सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बाद में जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसकी वॉइस क्वालिटी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग ने इतना रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज हम लोग वीडियो को प्ले करते हैं, ये रही वीडियो, और यहाँ से हम लोग वॉइस को ऑन करते हैं और ये देखिए आप वॉइस क्वालिटी सुनिए उसकी वॉइस, तो जो आप लोग रिकॉर्ड करेंगे उसकी वॉइस क्वालिटी में आप लोग ये देखें। और मैं आपको अभी वॉइस क्वालिटी सुनाऊंगा। तो जो ये वॉइस क्वालिटी इतनी सही नहीं आ रही है, ठीक है, ये इस वजह से ही है। अब मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ क्या क्या आपको सेटिंग्स करना है। मोबाइल को साइड में रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक कंडेंसर आएगा इस तरीके का, यहाँ पे ये एक चीज़ होती है। तो ये हम लोग यहाँ देखेंगे ना, ये यहाँ पे कैमरे मोड में, अभी मैं आपको यहाँ पे फोकस करके बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे, तो ये कैमरे में, ये देखिए यहाँ पे कैमरे मोड में है। हम लोगों को इसको स्मार्टफोन में करना होगा जब हम लोग स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सेटिंग तो पूरी हो गई, तो मैं आपको बता दूँ अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को अब क्या करना है, प्ले स्टोर में चलना होगा और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां पे हम लोग प्ले स्टोर में आ जाते हैं और हम लोग सर्च करेंगे यहां पे ओपन कैमरा ऐप, ठीक है, ओपन कैमरा ऐप की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं ओपन कैमरा। सो ओपन कैमरा यहाँ पे हम लोगों ने सर्च करा, तो यहाँ पे ओपन कैमरा ऐप आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कैमरा नाम है, आप लोग प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना। अब हम लोग इसको यहाँ से ओपन करते हैं। अब हम लोगों को इस ऐप में कुछ सेटिंग्स करनी होगी, अब मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ सबसे पहले क्या करनी है। अब हम लोगों को ना सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में चलना है, ये सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, अलाउ सारी चीज़ें हम लोगों को करनी होगी, फाइल्स वगैरह। अब हम लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। अब सेटिंग्स में आने के बाद हम लोगों को वीडियो सेटिंग में आना है, वीडियो सेटिंग में आने के बाद हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करनी होगी, ऑडियो सोर्स में जाना है। ये देखिए ऑडियो सोर्स में जाके हम लोगों को सिलेक्ट करना है एक्सटर्नल माइक, एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करना है और बाकी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फ्रेम रेट वगैरह, बट हम लोग ये सारी चीज़ें अदर वीडियोस में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे वॉइस की बात कर रहे हैं तो वॉइस की ही यहाँ पे सारी सेटिंग करेंगे। हम लोगों को ऑडियो सोर्स सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोगों को वीडियो मोड में आना है, ये हम लोग वीडियो मोड में आ चुके हैं और इसमें अलाउ करना होगा वॉइस क्वालिटी को, यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया है। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो भी हमारे ये है हमारा माइक, इसको हम लोगों को लगा लेना है। हम लोगों ने इसको यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे माइक को अपने पास रख सकता हूँ या फिर इधर ला सकता हूं या फिर इधर ही रहने देते हैं। और अब हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करते हैं वॉइस को, ये देखिए अब हम लोग जो वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पे वॉइस आएगी। ये देखिए रिकॉर्ड हो रही है वॉइस यहां पे, और जितनी भी वॉइस रिकॉर्ड होगी मैं आपको प्ले करके भी बताऊंगा। तो इतनी वॉइस हमारी रिकॉर्ड हो गई है, अब हम लोग सिंपली इसको यहां से स्टॉप कर देंगे। अब ये स्टॉप हो गई है, आप लोग इस तरीके से यहां पे बोया माइक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं आपको वॉइस क्वालिटी सुना देता हूं। देखिए अब हम लोग इसको यहां से इसको कर देते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, यहां पे वॉइस आ गई है, देखिए रिकॉर्ड हो रही है वॉइस यहां पे, और जितनी वॉइस रिकॉर्ड तो यहां पे आप ये देख रहे हैं इसकी वॉइस जो क्वालिटी काफी हैवी आ रही है और काफी सही तरीके से आ रही है। बट मैं आपको दोनों वॉइस यहां पे बता देता हूं, मैं सिंपली आप लोगों को इंस्टाग्राम में ले चलता हूं और वहां पे हम लोग दोनों वीडियो को स्टोरी में ऐड करके वॉइस क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाली वॉइस क्वालिटी है जो हमने पहले रिकॉर्ड करी थी, ये वाली, और इसकी हम लोग वॉइस क्वालिटी देखते हैं। बोल रहा हूं ये सब रिकॉर्ड हो रही है और मैं आपको अभी वॉइस क्वालिटी सुनाऊंगा और फिर मैं, तो ये वाली जो वॉइस क्वालिटी इसमें आप देख रहे होंगे कि जो रूम की नॉइस है, मतलब इको आ रही है, वो साथ में भी आ रही है, बट ये वाली में आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो मेरी वॉइस है यहाँ पे ज्यादा तरीके से कैप्चर हो रही है और यहाँ पे नॉर्मली अदर चीजें भी कैप्चर हो रही है, जैसे अगर कोई कुछ बोलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर हम लोग ये सारी सेटिंग्स करते हैं तो वॉइस क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग बोया माइक को अपने फ़ोन में सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी तरीके से आए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।